बीजेपी सांसद वरुण गांधी इन दिनों चर्चा में हैं और चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ वरुण गांधी लगातार मोर्चा खोले रहते हैं। अपने बयानों से वे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाते हैं। वरुण गांधी किसानों, नौजवानों और बेरोजगारों का मुद्दा उठाते हैं। इसके साथ ही मोदी सरकार के तमाम फैसलों पर वरुण गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं। पीलीभीत से बीजेपी सांसद ने अब चीतों को लेकर के मोदी सरकार पर सवाल दाग दिया है। इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए जब वरुण गांधी ने मोदी सरकार की जमकर आलोचना की और आलोचना ऐसी कि पूरे मंच से वरुण गांधी लगातार मोदी सरकार के खिलाफ बयानों के बाढ़ छोड़ते रहते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते हैं तो वरुण गांधी उस पर भी सवाल उठा देते हैं। जब देश में किसान आंदोलन चल रहा था तो भी वरुण गांधी ने किसानों के पक्ष में आवाज उठाई थी। वे अग्निवीर योजना पर भी सवाल उठा चुके हैं। चलिए आपको इस वीडियो में वरुण गांधी के वो 5 बगावती बयान बताते हैं जब जब वरुण गांधी ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाई हैं। बेरोजगारी, किसानों समेत तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने वाले बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अब अफ्रीका से मंगाए गए चीतों को लेकर सवाल दागा है। वरुण गांधी ने कहा कि अफ्रीका से चीतों को मंगाना और उनमें से 9 को एक अलग परिवेश में मरने के लिए छोड़ देना सिर्फ क्रूरता नहीं है, यह सरासर लापरवाही बेरुखी है। इससे पहले उन्होंने एक संत के बहाने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा था। दरअसल उनके पास खड़े एक साधु का मोबाइल फोन बज गया तो उनके समर्थकों ने साधु को टोक दिया। तब वरुण गांधी ने कहा था कि अरे रहने दो, पता नहीं महाराज कब मुख्यमंत्री बन जाएं। अगर वो मुख्यमंत्री बन गए तो हमारा क्या होगा, समय की गति को समझा करो। इसके साथ ही उन्होंने अच्छे दिन पर तंज कसते हुए कहा था कि महाराज जी मुझे लगता है कि अब अच्छा समय आ रहा है। वही केंद्र की मोदी सरकार का लक्ष्य है कि देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन का बनाया जाए तो वरुण गांधी ने उस पर भी निशाना साधा था। वरुण गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि देश को इससे पहले एक बेहतर लोक हितकारी व्यवस्था बनाने की जरूरत है। देश में 91% लोग ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हैं जहां उन्हें कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती। करीब 53% सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के पास कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं है। इससे पहले उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि अग्निवीर हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो या किसान आंदोलन हो, चाहे जो भी मुद्दा हो, जिससे मुझे लगे कि समाज के अंतिम व्यक्ति का इससे लाभ है तो उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। एक हिंदुस्तान जिसमें अमीर को सारे पूरे पूरे अवसर प्राप्त हैं और दूसरा हिंदुस्तान जिसमें एक आम आदमी का संघर्ष निरंतर है। मैं संघर्ष के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा हिंदुस्तान बने जिसमें हर इंसान को अवसर की प्राप्ति की कमी ना हो। बीजेपी सांसद वरुण गांधी बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के भी मोदी सरकार पर हमला बोल चुके हैं। बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए वरुण गांधी ने कहा था कि बेरोजगारी की वजह से युवाओं में हताशा का माहौल है। जो युवा देश की रक्षा करना भी चाहते हैं वो अब हताश हो रहे हैं। देश के लिए कुछ कर गुजरने की हसरत, मगर हमारे युवाओं को सिवाय निराशा के कुछ हाथ नहीं लग रहा। लगभग 1,00,000 रिक्त पद होने के बावजूद सेना में भर्तियां नहीं निकल रही। हताश युवा जो सीमा पर जाकर देश सेवा करना चाहते हैं वो अब आत्महत्या करने को मजबूर है। क्यों? गौरतलब है जब मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए तो बीजेपी ने महासंपर्क अभियान चलाया। इसमें वरुण गांधी शामिल नहीं हुए थे जिससे बीजेपी हाईकमान उनसे नाराज हो गई थी। वहीं अब वरुण गांधी का बगावती तेवर भी लगातार जारी है और वो लगातार मोदी सरकार पर हमले बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।